नमस्कार दोस्तों, वेल्थस्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से आज जो मूव आया है, एक बहुत ही ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी थी। एक बार निफ्टी करीब 11,360 के आसपास ट्रेड कर रहा था और दूसरी बार यहाँ पे करीब 11,180 का लो बना के वहाँ तक भी निफ्टी चला गया था। तो ये जो वॉलेटिलिटी होती है, इस वॉलेटिलिटी में अक्सर लोगों को बड़े बड़े लॉसेस होते हैं क्योंकि इसमें कभी टाइम नहीं मिलता एग्जिट करने के लिए इतनी तेज़ी से। और जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उनके लिए तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। इसलिए मैं हर चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि ऑप्शन चेन डाटा जो मैं बताता हूँ वो सिर्फ आपको ये बताता है कि आपको कल किस तरीके से पोजीशन अपनी बनानी है, किस लेवल पे बनानी है। बट अक्सर लोग क्या होता है कि वो सिर्फ उस वीडियो को देखते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ सुनते हैं, अरे यहाँ पे कॉल बाय करने को बोला था, यहाँ पे पुट बाय करने को बोला था, मैं यहाँ पे ऐसा ही करूँगा। वो जाते हैं सीधा मार्केट में बिना सोचे समझे वही चीज़ डिसाइड करके उतरते हैं। अरे कम से कम देख तो लो मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसके बाद आप अपना उस पर्टिकुलर व्यू पे जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। तो वैसा ही होता है यहाँ पे। कल का मेरा व्यू था क्लियरली कि क्योंकि कल कोई डाटा नहीं बना था तो मैंने क्लियरली आज का ट्रेडिंग सेशन अवॉइड करने के लिए बोला था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई डाटा नहीं बनता तो किधर भी मूव कैसा भी बन सकता है। तो उसी का नतीजा आज देखने को मिला था, एक बड़ी वॉलेटिलिटी। जिसको प्रॉफिट मिला बहुत अच्छी बात है, जिसको लॉस मिला वो अपने लॉस से कुछ ना कुछ सीखे। तो चलते हैं यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं समझते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अल्फा ट्रेडर प्रोग्राम मैंने कल लॉन्च कर दिया है और रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए और रजिस्ट्रेशन आना चालू हो गए। लिमिटेड सीट्स हैं हमारे पास, तो कोशिश ये करिएगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जल्दी अपनी क्वेरी को पूछ के रिजॉल्व करके इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है अल्फा ट्रेडर प्रोग्राम का जो कि कल लॉन्च हुआ था, तो आप इस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और यहाँ पे एक मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या आप टेक्निकल टूल्स या स्टडी बेस्ड चीज़ें बताओगे। दोस्तों ये ऐसा कुछ मैं कुछ नहीं बताऊँगा जिसमें कि हम कोई भी टेक्निकल टूल्स नहीं यूज़ करते हैं, कोई भी स्टडीज़ जो होती हैं मार्केट में उसको नहीं अप्लाइड करते हैं हम लाइव ट्रेडिंग में। तो हम जो चीज़ आपको बताएंगे वो सारी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट होगी और प्रैक्टिकल चीज़ होगी जिसको आप फॉलो करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डाटा समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से नया डाटा बना है, क्योंकि आज इस नई सीरीज का पहला दिन था और पहले दिन में ही जो वॉलेटिलिटी आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त आई थी। लॉन्ग करने वाले फंसे, शॉर्ट करने वाले फंसे, क्योंकि जो लोग लेवल पे काम करते हैं और लाइनें ज़्यादा खींच के काम करते हैं वो डेफिनेटली फंसते ही हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट हुआ करता था 11,330 का, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे लाइन खींची थी, लाइन खींच के सोच रहे थे कि ऊपर निकलेगा तो आपको 11,400 के टारगेट मिलेंगे। निकला लेकिन वो हार्डली 2 या 3 मिनट के लिए निकला। उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर मिला उसमें उसके स्टॉप लॉस, सारे स्टॉप लॉस टिकर हो गए, वो फिर ये था। और जिन लोगों ने 11,200 के नीचे शॉर्ट करने की कोशिश करी होगी वो भी ट्रैप हुए, यानी लॉन्ग साइड वाले भी ट्रैप हुए, शॉर्ट साइड वाले भी ट्रैप हुए, बीच में तो कोई जोन ही नहीं था जिस पर काम कर सकें। तो बेसिकली होता क्या है कि देखिए, जब डाटा नहीं बनता है ना तो ऐसे ही होता है कि आपको मार्केट का सेंटीमेंट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ता है। और मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नेगेटिव था। एक बाउंस बैक आया सुबह सुबह बिकॉज ग्लोबल सिनेरियो था वो पॉजिटिव था, तो ट्रेडर ने एकदम से माल को ऊपर उठा के ले गए और वहाँ से अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी थी, जिसको वो उसने ज़बरदस्त अपनी प्रॉफिट करी। अल्टीमेटली लॉस किसको हुआ? रिटेल ट्रेडर को। तो कल का जो मेरा व्यू था, बेसिकली कल जो वीडियो था उसमें मेरा आज का व्यू नेगेटिव क्या कोई व्यू नहीं था। मैंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया था कि आप वेट करिए डाटा बनने का और कोशिश करिए। देखिए बाजार है, बाजार में पेशेंस बहुत रखना ज़रूरी पड़ता है। कल इतना डाटा बना ही नहीं था जिसकी वजह से ये डिसाइड किया जाए कि यहाँ पे एक पुट लेके काम कर लो या यहाँ पे एक कॉल लेके काम कर लो, क्योंकि वो डाटा इतना स्ट्रांग ही नहीं था। जब तक यहाँ पे पार्टिसिपेंट ही नहीं होंगे तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। आज डाटा बन रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि कब क्या कर सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कितने छोटे स्टॉप लॉस से कितना बड़ा गेन ले सकते हो। अगर आप 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से 20 पॉइंट कमाने की कोशिश कर रहे हो तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। आप एक आध ट्रेड आपकी सही जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ज़्यादातर ट्रेड आपकी गलत जाएंगी। बट अगर आप 10 पॉइंट से
50 पॉइंट 70 पॉइंट कमाने की कोशिश करते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे आपकी कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत अच्छी रहती है। तो ये चीज़ पे मैं हमेशा फोकस करता हूँ, इसलिए जब भी मेरी ट्रेड्स होती हैं तो उन ट्रेड्स में या जो भी मैं ऑप्शन चेंज में डाटा रीड करके बताता हूँ, तो अगर आपने किसी ने गौर किया होगा तो वहाँ पे जैसे कि निफ्टी अगर एक दिन पहले भागा है तो मैं बोलता हूँ कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग में क्या होगा, एक दिन पहले भागा है तो मार्केट के रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप छोटे से स्टॉप लॉस से गैप डाउन हुआ, जहाँ खुलेगा वहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 5-10 मिनट का लेके आप, बहुत छोटा स्टॉप लॉस बनता है, वहाँ से रिकवरी आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। नहीं तो आप अपने एक नोटबुक बना लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि कितनी कितनी बार रिकवरी आई है, तो आपको 10 में से 7 बार रिकवरी आते हुए दिखाई देगी। 3 बार ऐसा होगा या तो एक्सपायरी का दिन होगा तब वो रिकवरी नहीं आएगी, या फिर कोई न्यूज़ फ्लो होगा पर्टिकुलर उस दिन का तब वो रिकवरी नहीं आएगी। जनरल ट्रेडिंग सेशन में आपको रिकवरी आती हुई दिखाई देगी, जितने पॉइंट का गैप डाउन हुआ होगा, अगर एक दिन पहले निफ्टी भागा है 100-150 पॉइंट तो पूरा गैप डाउन आपका फुलफिल कर देगा, वही एक्चुअल में आपके लिए गेन होता है। उसके ऊपर तो मैं प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए बोल देता हूँ। तो ये क्लियर कट सिनेरियोस होते हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरे एक्सपीरियंस से सीखे हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अब भगवान तो है उन्हीं में जिसमें कि आपको हर दिन एक नया एक इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेड दे सकूँ। लॉस होगा बट आप मैक्सिमम मेजोरिटी कैलकुलेट करोगे मंथली में, वो आपको प्रॉफिटेबल दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्लोजिंग क्या आई है, 11,300 के ऊपर क्लोजिंग आई है। देखते हैं यहाँ पे कि जिस तरीके से 11,400 500 एक हर्डल थे और 300 भी एक हर्डल था, तो क्या चेंजेस हुआ है कुछ, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 11,400 की बात करते हैं। देखिए 11,400 कोई भी पुट राइटर कल नहीं था इसमें और आज भी नहीं है, क्योंकि 77,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, सिर्फ 251,000 का ओपन इंटरेस्ट टोटल खड़ा है। 11,400 कॉल राइटर करीब 14,86,000 यानी 14,86,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है यहाँ पे। तो हर्डल है ये आपके लिए, तो 11,400 के नियरेस्ट जब भी जाए शॉर्ट करके ही काम करिएगा। स्टॉप लॉस अपना देख लीजिएगा कि 20-30 पॉइंट का जितना बन सकता है उतना आप लगा के काम करिएगा। 11,500 के पास जाता है, अगर 11,400 निकलता है पहले बात तो निकलने में बहुत तकलीफ होगी 11,400 को, बट 11,500 भी एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है, अगर निकलता है तो यहाँ पे भी बिकवाली आ सकती है। यानी 11,500 के बीच में तो आपको 11,400 के नीरज जाके तो आपको शॉर्ट करके ही काम करना चाहिए राइट नाउ, क्योंकि जो देखिए है क्या, ग्लोबली माहौल ख़राब है, इंडिया का माहौल और ज़्यादा ख़राब है, इकनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, ऑटो सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है, बैंकिंग अच्छा नहीं कर रहा है। जब कुछ अच्छा ही नहीं कर रहा है तो ऊपर मार्केट क्यों जाएगा? सिर्फ वो बाउंस बैक जो आता है ना, उस बाउंस बैक की वजह से हम सोचते हैं कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, फिर यहाँ तक चला जाएगा, फिर यहाँ तक चला जाएगा, तो ऐसा सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है फिलहाल। तो ये दोनों एक लेवल हैं जो हर्डल के हैं। और 11,300 की भी बात करते हैं तो 11,300 पे देखिए ऊपर बंद हुआ है 11,300 के ऊपर बंद हुआ है, बट देखने की बात यह है कि यहाँ पे एडिशन हुआ है कॉल राइटिंग में, कोई भी ओपन इंटरेस्ट घटा नहीं है या कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं 3,89,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है यहाँ पे वो आज के दिन, और करीब 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है। और अगर पुट की बात करते हैं 11,300 की, तो 8,58,000 का ओपन इंटरेस्ट है। यानी इसका मतलब क्या है कि 11,300 पे अभी जो कॉल राइटर्स हैं वो ज़्यादा हैं। अगर निफ्टी दोबारा से 11,300 के नीचे ट्रेड करता है तो ये कॉल राइटर और तेज़ी से बढ़ेंगे, अगर ऊपर होल्ड करता है तो फिर थोड़ा सा मूव ऊपर की साइड बन सकता है, बट वो मूव ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेगा, इस चीज़ की यहाँ पे श्योरिटी है। ऊपर सिर्फ टेम्प्रेरी जाएगा बाउंस बैक के लिए, और वहां से एक दोबारा से सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। उसके नीचे बात करते हैं तो 11,200 एक इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े सा जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हैं, करीब 11,31,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। 11,200 की जो कॉल है वहाँ पे 5,82,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। तो सिंपल सी चीज़ यही है कि आपको 11,350-60 की रेंज में अगर निफ्टी मिलता है सिंपल, तो वहाँ पे आप एक शॉर्ट कॉल लेके काम कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिएगा। और नीचे की साइड अभी कुछ ऐसा है नहीं कि जहाँ पे मार्केट रुक सके, मतलब कोई इतना बड़ा पुट में कोई इतना बड़ा डाटा नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट वहाँ पे होल्ड कर सके। तो यही है, मार्केट में अगर ऊपर की साइड कोई बिकवाली करने का मौका मिलता है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करिएगा, और पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे क्योंकि अभी इस डाटा में भी अगर देखा जाए तो जो एक ट्रेडिंग आइडिया है वो है सिर्फ
360 से लेके 370 के बीच का, अगर इस जोन में अगर आपको निफ्टी मिलता है तो आप एक पुट लेके काम कर सकते हैं 11300 की, ये चीज़ है। और क्योंकि 11400 एक हर्डल है, इतनी जल्दी क्रॉस नहीं करेगा तो वहाँ पे क्या है कि आपके जो लॉस के चांसेस है वो थोड़े से कम है, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 11200 पे जाके आप कॉल ले लीजिएगा तो वो एक पॉसिबल सिग्नल नहीं है, क्योंकि कॉल राइटर बहुत तेज़ी से मार्केट में आते हैं, पुट राइटर इतनी तेज़ी से नहीं आते जितनी तेज़ी से कॉल राइटर्स आते हैं। तो इसीलिए मैंने ऊपर के लेवल पे आपको क्या किया है कि वहाँ पे आपको एक पुट लेने की सजा की है, और वो की है करीब 11370 के आसपास की, जब आप नियर टू रेजिस्टेंस ट्रेड करने लगेंगे जो कि 11400 का होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का डाटा देख लेते हैं जल्दी से। बैंक निफ्टी के डाटा की बात करें तो 28,000 पे क्लोजिंग हुआ है, वॉलेटाइल मूव था बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी तो वैसे ही वॉलेटाइल रह रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पे भी यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा डाटा ऐड होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि 28,000 का जो लेवल था कल का, 28,000 की पुट की बात करते हैं तो 240,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है, 28,000 की कॉल की बात करते हैं तो 224,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। उसके बाद जो 28,500 है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉल राइटिंग हो रही है जो कि करीब हो रही है 3,89,000 की, और जिसमें कि 1,76,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पे 27,500 की बात करते हैं तो यहाँ पे 2,32,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी में दिख रही है कि बैंक निफ्टी 28,500, 600, 700 ये जोन ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला जोन है। इस जोन में बैंक निफ्टी को टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से बैंकिंग में कंटिन्यूसली सेल ऑफ चल रहा है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी टिकेगा नहीं, ये दिक्कत यहाँ पे रहेगी। और नीचे एक बार 27,500 आपके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इन दोनों लेवल पे आप ट्रेड करिए, ये दोनों लेवल आते हैं तो आपको पर्टिकुलर बैंक निफ्टी में एक आइडिया मिलेगा ट्रेडिंग का, तो उसमें आप एक कॉल और पुट लेके काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों डाटा पे आप फोकस करिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो आई होप दोस्तों ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।